अस्सलामुअलैकुम, मैं डॉक्टर जुनैद नबी हूँ। मैं कंसल्टेंट हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और उसका जो थीम है इट सेज मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, ग्रेटर असेसमेंट एंड ग्रेटर इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि जो मेंटल हेल्थ के लिए लोगों को बहुत दूर से आना पड़ता है, अभी आगे जाके जो भी हमारा ये इनिशिएटिव होगा उससे क्या होगा कि फार फ्लंग एरियाज में भी अच्छी तरीके से हमें मेंटल हेल्थ की जो भी फैसिलिटीज़ है दैट विल बी अवेलेबल। और इसके रिलेटेड जब भी हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारा स्टिग्मा रिलेटेड होता है, और जब भी हम बात करते हैं तो उसके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, सबस्टेंस अब्यूज है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, मगर हम उसकी पॉजिटिविटी के बारे में बहुत ही कम बात करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को उससे पता चलता है कितना एक इंसान रिजिलिएंट है, कितना डिसीजन मेकिंग है, कितना वो कोपिंग मैकेनिज्म्स है, कैसे वो हैंडल कर सकता है स्ट्रेस। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम स्टिग्मा के बारे में बात करते हैं उसको छोड़ के हमें जब भी कोई तकलीफ हो, दिमागी तकलीफ हो, हमारे को वो छोड़ना चाहिए और बेटर होता है कि हम बाहर आके एक स्पेशलिस्ट के बारे में बात करें, और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। और ऐसा देखा गया है कि जब मेंटल हेल्थ ठीक है तो फिजिकल हेल्थ भी ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट कोट है कि इंसान इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड एंड द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन इन अ ह्यूमन इज ब्रेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डियर फेलो स्टूडेंट्स, वार्म ग्रीटिंग्स फ्रॉम एनआईटी श्रीनगर। आई एम श्योर द बैकग्राउंड विल बी एक्साइटिंग and equally stressful for you, because it has been more than a year that you are out of campus. But I'm hopeful soon you'll be back to campus, inshallah. Today is 10th October. It is being celebrated as World Mental Health Day. I would like to tell my fellow students that we have two aspects of our life. One is physical aspect and another is mental aspect of our life. If there is any problem in one of the aspects, be it physical or mental aspect, the problem will be created in another. There will be effect of in another aspect of the life. As a psychological counselor, I have an experience in the campus that if any of the students are having any kind of physical health issue, they immediately rush to the medical unit for any kind of medical intervention. The physical problem could be as minor as cough, cold, fever, or any minor thing. Contrary to this, if they have psychological issues, be it sleeplessness, lack of appetite, or lack of concentration, relationship problems, depression, or even suicidal tendencies, they are quite reluctant in seeking help. So I would like to tell my students that mental health is equally important as physical health. Counseling cell NIT Srinagar had displayed their helpline numbers at various places in the campus and also in social media platforms as well. I wish you good health and all success in life. Stay home.